हाय स्टूडेंट, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आओ कंप्यूटर सीखे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम हमारा एक्सेल का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम बनाएंगे एक अटेंडेंस शीट, जो कि स्टूडेंट्स की भी हो सकती है, एम्प्लॉयज़ की भी हो सकती है, या फिर जैसे भी आप इस अटेंडेंस शीट को यूज़ करना चाहते हो आप यूज़ कर सकते हैं। तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक अटेंडेंस शीट बना के रखा है। कैसे बनाएंगे उसके लिए हमें एक हेडिंग दी है, क्रिएट स्टूडेंट्स अटेंडेंस शीट, और उसको फिर हमने पूरा फॉर्मेटिंग किया है। फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं आपने हमारे लेक्चर नंबर 2 पे देखा है। और उसके बाद हमने क्या किया है, नेक्स्ट थर्ड रो पे क्या किया हमने, क्या लिखा है, मंथ लिखा है, और उसके बाद हमने क्या लिखा है, सीरियल नंबर, स्टूडेंट्स के नाम, और उसके बाद डेट। ये सारे डेट है, अप टू 31st तक हमने डेट लिखा है। उसके बाद एब्सेंट एंड प्रेजेंट करके एक कॉलम बनाया है, और जो हमने डेट लिखा है 1 से 31 तक, उन सभी कॉलम को हमने सिमिलर विथ दिया है। तो सिमिलर विथ कैसे देंगे, हम टॉप पे जाएंगे कॉलम्स में और सारे कॉलम्स को, जितनी भी कॉलम्स को हमें सेम विथ देनी उन सबको सिलेक्ट कर लेंगे और वहीं पर राइट क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर एक आ जाएगा सेल विथ, उस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आएगा कॉलम का विथ कितना देना है। तो हमारे कॉलम की विड्थ देंगे 3, ओके कर देंगे। देखिए सारे कॉलम की विड्थ क्या होगी, 3 होगी। फिर से एक बार देखेंगे, अगर किसी भी कॉलम्स के विड्थ को सेम करना है, एक ही आइडेंटिकल देना है, अभी यहाँ पर 3 है हमें 4 कर देना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो कॉलम्स हैं वहाँ पर जाएंगे, माउस का अगर से लेफ्ट क्लिक करेंगे और जितनी भी कॉलम्स के विड्थ को सेम करना है उसको ट्रैक करते हुए जाएंगे जहाँ तक हमें करना है वहाँ पर, माउस का कर्सर छोड़ देंगे और उसके बाद उसी रो पे, किसी भी रो पे राइट क्लिक करेंगे और विड्थ पे लेफ्ट क्लिक करेंगे या फिर विड्थ नंबर डालेंगे और ओके कर देंगे। देखिए ठीक है, इस तरह से हम कॉलम की विड्थ सेम कर सकते। तो इसी तरह से हम रो की भी हाइट का जो मेजरमेंट है वो सिमिलर कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, रो पे क्लिक करके रखेंगे और नीचे की तरफ ट्रैक करेंगे और फिर माउस का लेफ्ट कर्सर छोड़ देंगे, वही फिर से रो पे जाके राइट क्लिक करेंगे, रो हाइट पे क्लिक करेंगे इस बार और रो हाइट दे देंगे हम सपोज टू 15। देखिए थोड़ा सा छोटा हो गया है, तब इसको 20 कर देते हैं, रो हाइट 20, ओके कर दिया। देखिए ये सब सेल की वैल्यू हमने क्या कर दिया है, 20 कर दिया है, हाइट 20 कर दिया है, ओके। अब ये चीज़ हो गया। अभी यहाँ पर देखिए एब्सेंट एंड प्रेजेंट है, तो यहाँ पर हम काउंट इफ ये फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो ये काउंट इफ फार्मूला किस तरह से यूज़ किया जाएगा जरा अच्छे से देख लेना, मैं आपको सेपरेट कॉलम्स में लिख के बताता हूँ। मैंगो लिखते हैं यहाँ पर भी मैंगो लिखते हैं, यहाँ पर एप्पल लिखते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं या ओनियन लिख देते हैं, इसे यहाँ पर मैंगो लिख देते हैं, ओके। ग्रेप्स लिख देते हैं, ओके। तो ये हमने कुछ चीज़ें लिखी हैं। अभी सपोज टू मुझे देखना है कि यहाँ पर मैंगो कितनी बार लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, काउंट इफ का यूज़, इज इक्वल टू काउंट इफ, काउंट इफ यल फंक्शंस, रेंज देना है कॉमा, क्या क्राइटेरिया है आपका, तो हमें मैंगो फाइंड करना है, कॉमा कंप्लीट थिंग्स एंटर, कितनी बार मैंगो लिखा है, 3 बार, सिंपल। समझ रहे हैं आप काउंट इफ का फंक्शंस कैसा होता है। तो अभी यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर सिर्फ 2 ही कैरेक्टर आएगा, क्या आएगा, पी फॉर प्रेजेंट, सॉरी हम, और ए फॉर एब्सेंट, तो 2 ही कैरेक्टर। तो हमें क्या करना है, सिर्फ सपोज टू यहाँ पर मैंगो के जगह हम यहाँ पर लिख देते हैं एब्सेंट प्रेजेंट। अब यहाँ पर वैल्यू क्या आ गया, 0। क्यों आ गया 0, क्योंकि हमने फंक्शन में क्या लिखा था, मैंगो, हमें मैंगो नहीं लिखना है, हम लिख देते हैं सपोज टू क्या हो गया, बंदा प्रेजेंट का ना हो गया, एंटर, तो 3 बार प्रेजेंट है ना, सिंपल। तो यहाँ पर हमने एब्सेंट लिखा, यहाँ पर हमने प्रेजेंट लिखा है, तो यहाँ पर फंक्शन क्या लिखेंगे हम, काउंट इफ, रेंज देंगे पूरा,
कहाँ से कहाँ तक काउंट करना है, तो 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक काउंट करना है, और क्या काउंट करना है, ए काउंट करना है। अपसेंट में हम ए काउंट करेंगे और प्रेजेंट में हम पी काउंट करेंगे। अब देखिए, जैसे कि एक स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, वहाँ पर ऑटोमेटिकली काउंट बढ़ते जा रहा है, हम डालते जा रहे हैं यहाँ पर, काउंट बढ़ते जा रहा है। जैसे हम यहाँ पर ए डालते हैं तो अपसेंट का काउंट बढ़ते जा रहा है, देख रहे हैं। तो ये बहुत ही इजी शीट है, आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं, करेक्ट। देखिए फर्स्ट स्टूडेंट्स क्या किया, इसने 3 बार एब्सेंट हुआ है और 28 बार प्रेजेंट हुआ है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, जनवरी का वर्कशीट बना सकते हो। अब क्या करेंगे, सपोज़ टू हमारे पास और भी स्टूडेंट्स हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट्स के नाम लिख सकते हैं और उसको फंक्शंस को आगे कैरी ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर दोनों फंक्शंस को कैरी ऑन करना है तो क्या करेंगे, दोनों सेल को सिलेक्ट करेंगे और नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। देखिए अब यहाँ पर स्टूडेंट्स कोई भी नहीं है, तो हम स्टूडेंट नंबर 8 लिखेंगे, ए बी सी, और फेसेस को पूरा सिलेक्ट कर लेंगे ये सारा सेल, और यहाँ पर जाएंगे, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था फॉर्मेटिंग में, और क्लिक कर देंगे। देखिए सब परफेक्टली बन गया है ना। तो 9 स्टूडेंट्स, और इसको भी हम क्या करेंगे, ऑटोमेटिक नंबर देने के लिए, ये भी आपको सिखाया है मैंने, दे देंगे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। अगर सपोज तो आपको ऑटोमेटिकली चाहिए, तो ये जो लास्ट सेल है उसको सिलेक्ट करेंगे, पूरा कॉलम पूरा रो सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये सेल सिलेक्ट हो गया है, कॉर्नर पे जाएंगे और उसको नीचे ड्रैग करेंगे। अब क्या होगा कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली नंबर्स भी आते जाएगा और आपका फंक्शन भी आते जाएगा। 25 स्टूडेंट्स है टोटल, तो यहाँ पर 25 हमने ट्रैक कर दिया, तो ये पूरा फॉर्मेटिंग क्या हो गया, एक साथ 25 स्टूडेंट्स के हमने बना दिए। अब यहाँ पर हम स्टूडेंट्स का नाम लिख सकते हैं और यहाँ पर वो प्रेजेंट है या एब्सेंट है आ सकते हैं, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये था जनवरी का, फॉर एग्ज़ाम्पल जनवरी में सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं, ये पूरा कैलेंडर फुल है। अभी हमें देखिए, अभी मैं नाम कुछ भी लिख देता हूँ ऐसे ही, ओके। तो ये सब नाम हो गए, तो एक पूरा कैलेंडर हमारा आ गया है। थोड़ा सा और भी मॉडिफिकेशन करेंगे और उसको और भी परफेक्ट बना देंगे। तो किस तरह से बनाते हैं, चलिए देखते हैं। ये जो डेट्स हैं जनवरी की, अभी हमें पता नहीं है कि कौन से ईयर की है, तो इतना परफेक्शन नहीं लगा है। तो हम एक काम करते हैं, इसमें थोड़ा सा एडिटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं मंथ, और यहाँ पर लिखते हैं सपोज टू जनवरी, करेक्ट, और यहाँ पर लिख देते हैं ईयर, और यहाँ पर लिखते हैं 2023। अब थोड़ा सा इसको फॉर्मेटिंग कर लेते हैं हम लोग, इसको कलर कर दिए। फॉर्मेटिंग कैसे करना है आपको पता है ना, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, ओके। तो अभी हमें समझ में आ रहा है कि ये मंथ कौन सा है और ईयर कौन सा है, और ये ओके हमने यहाँ पर हेडिंग दी है। अभी इसमें एक और चीज़ है कि यहाँ पर जो हमने जनवरी जो डेट दिया है 1 to 30 तक की, राइट, अभी इसमें हमें संडे मंडे वगैरह कुछ हमें पता नहीं चल रहा है। संडे मंडे अगर हमें ऐड करके और भी परफेक्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, मैं इसको बड़ा कर देता पहले। तो ये जो पहला रो है, रो 5, और उसके बाद रो 6 है, राइट, रो 5 एंड रो 6। हमें अभी चाहिए कि रो 5 और रो 6 के बीच में, रो 5 और रो 6 के बीच में मुझे एक नया रो ऐड करना है, ताकि मैं वहाँ पर डे लिख सकूँ। 1 तारीख को सा डे था, 2 तारीख को सा डे था, एंड सो ऑन। तो मुझे क्या करना है, 5 और 6 के बीच में एक नया कॉलम ऐड करना है। तो जब भी अगर हमें कोई भी नया कॉलम ऐड करना हो तो क्या करना है, हमेशा किसी भी रो के ऊपर नया ऐड करना है, वहाँ पर जाएंगे। जैसे कभी अभी हमने 6 पे क्लिक किया, 6 के ऊपर हमें रो चाहिए नया, ओके, उस रो के ऊपर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट करेंगे। देखिए क्या हो गया, जो रो नंबर 6 था वो रो नंबर 7 पे चला गया, और रो नंबर 6 पे एक नया कॉलम ऐड हो गया। देखिए ये एक ब्लू कलर का हमने नया कॉलम ऐड कर दिया, समझ में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा इसको छोटा कर देते फिर से, ओके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमारा डेट है, यहाँ पर हम डे लिखेंगे, ठीक है। सपोज़ यहाँ पर हम देख लेते हैं संडे था, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे,
संडे, एंटर, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से फिर ट्रैक करने जाएंगे। स्लो स्लो ट्रैक करते जाइए और यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। देखिए परफेक्ट हो गया। जनवरी 1 को संडे था, फिर मंडे था, फिर ट्यूसडे था। अब क्या हो रहा है कि ये देखो मंडे क्या हो गया, दिख नहीं रहा है ना। देखिए मंडे ट्यूसडे बराबर दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, आपको मैंने क्या बताया था क्या करना है, हमें उन सब रो की विथ सेम कर देंगे। सेल की विथ सेम करने के लिए कॉलम पे जाएंगे, जहाँ से जहाँ तक हमें चाहिए उसका पूरा रेंज सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, कॉलम विथ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर डिफॉल्ट अभी जो हमने लास्ट टाइम सेट की थी 3 थी, हम यहाँ पर 5 कर देते हैं। ओके करेंगे, देखिए परफेक्ट हो गया। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ओके। अब को संडे में कोई प्रेजेंट होता नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हॉलीडे का एच लिख देंगे। ओके, तो ये हम क्या कर देंगे, इसको हॉलीडे कर देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर पूरा हम इसको हम कलर कर देते हैं, तो ये कलर कर देंगे। तो संडे जिधर भी है, हम क्या करेंगे, संडे पूरा ये एच लिखा हुआ एच हमें पूरा मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे करना है, सेल सेलेक्ट करना है और ट्रैक करते जाएंगे और पूरा एंड तक एच कर देंगे। ये हॉलीडे हो गया, ओके, बिकॉज ऑफ संडे था इसलिए आपको हॉलीडे होगा। अब क्या करना है हमें, यहाँ पर महीने में चार संडे होगा या पांच संडे होगा, डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ मंथ। तो हम क्या करेंगे, सब जगह एच लिखेंगे, लेकिन अभी हमें क्या करना है, सब जगह एच लिखने के टाइम नहीं, तो हम क्या करेंगे, शॉर्टकट कट कॉपी एंड पेस्ट। तो संडे कॉलम जितना भी हमें सिलेक्ट करना है वो पूरा सिलेक्ट करेंगे अप टू 25, कॉपी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर कॉपी है, फिर आपस संडे पे जाके क्लिक करेंगे और पेस्ट पे क्लिक कर देंगे। देखिए आ गया, फिर आप संडे पे जाएंगे, पेस्ट पे क्लिक कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा टाइम सेव हो जाएगा, हम आराम से जितने भी संडेज हैं हम वहाँ पर लिख सकते हैं। अब परफेक्ट हो गया, देखिए दिख रहा है, संडे के दिन हमारे पास हॉलीडे है। अब यहाँ पर क्या है, अब्सेंट प्रेजेंट। अभी हमें एक और कॉलम चाहिए जो हॉलीडे का हो, है ना। तो यहाँ पर लास्ट का कॉलम एक सिलेक्ट कर लेते हैं, उसको कॉपी कर लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर प्रेजेंट का एक और कॉलम आ गया, राइट। हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे हॉलीडे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, काउंट इफ कमांड। तो क्या देंगे, हम कौन सा कमांड देंगे, काउंट इफ रेंज डी 7 से लेके AH 7 तक क्या फाइंड करना चाहिए, कोमा देके डबल इन्वर्टेड कोमा में H हॉलीडे, डबल इन्वर्टेड कोमा खत्म, एंटर। ठीक है, टोटल 5 हॉलीडे। अब इस कमांड को रिप्लाई क्या करना है, तो सेल के कॉलर पे आएंगे, बॉटम में माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे और नीचे ट्रैक करते जाएंगे, जाएंगे जाएंगे जाएंगे, अब छोड़ देंगे। तो हॉलीडे कितने हो गए, 5। प्रेजेंट कितनी होगी, 23, और एब्सेंट कितने हैं, 3। यहाँ पर हमारा टोटल 31 आ गया, समझ में आ गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, और भी एडवांस शीट को कर सकते हैं, समझ में आ रहा है, ओके। तो ये हमारा क्या हो गया, स्टूडेंट अटेंडेंस शीट हो गया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो ताकि दिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस शीट को कॉपी करके फरवरी नेक्स्ट मंथ की बनाएंगे। अभी यहाँ से हम मंथ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर B3 पे, और फिर ड्रैग करते जाएंगे लास्ट तक, और फिर लास्ट कॉलम तक 25 स्टूडेंट तक, और उसके बाद राइट तरफ करेंगे अप टू हॉलीडे के एंड तक। उसके बाद कॉपी पे क्लिक करेंगे, और जहाँ पर भी हमें कॉपी करनी है वहाँ पर क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे, करेक्ट। अभी ये हमारा जनवरी है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, फरवरी, यहाँ पर हमने फरवरी कर दिया, ओके। यहाँ पर भी चेंज करेंगे फरवरी, एंटर। यहाँ पर करेंगे मार्च, एंटर, मार्च, एंटर। और यहाँ पर फरवरी में कितने डेज है चेक कर लेंगे, जनवरी में तो यहाँ पर 28 डेज है, तो ये 3 डेज को क्या करेंगे, हम सिलेक्ट करके नीचे तक जाएंगे और डिलीट कर देंगे, तो ये 28 डेज हो गए। मार्च में कितने डेज है,
31 डेज हो गए, तो यहाँ पर ओके 31 डेज। बस ओनली हमें क्या करना है, ये मंथ ट्यूसडे एंड हुआ, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्यूसडे वेनसडे और उसके बाद यहाँ पर ड्रैग करते जाएंगे अप टू यहाँ तलक, और उसके हिसाब से फिर फॉर्मेटिंग कर देंगे। अभी ये सारी चीज़ें हम निकाल देते हैं बिकॉज ऑफ, ये निकाल देंगे हम और यहाँ से कलर भी ख़त्म कर देंगे। अब जहाँ जहाँ पर संडे होगा वहाँ पर हम कौन सा कलर फिल करेंगे, जो हमने कलर फिल किया है। ओके, एच लिखेंगे यहाँ पर और उसको फिल कर देंगे। फिर से इसको कॉपी करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, कॉपी, कहाँ का संडे वहाँ पर जाके पेस्ट करेंगे, पेस्ट पेस्ट पेस्ट। हो गया, देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर 4 आ गया, हमें कमांड देने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बिल्ट इन है, हमने ऑलरेडी कमांड दे के रखा है, कॉपी पेस्ट किया है। और उसके बाद यहाँ पर जो स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं अब संडे, उसके बाद देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली वहाँ पर आ रहा है समझ में। तो इस तरह से हम स्टूडेंट्स की अटेंडेंस शीट फुल प्रूफ बना सकते हैं। अब एक वो अटेंडेंस शीट हम बनाएंगे, एम्प्लॉयमेंट अटेंडेंस शीट, सेम इसी को ही कॉपी कर सकते हैं, है ना, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके देखते हैं। लेक्चर नंबर 2 पे मैंने आपको बताया कि पूरी वर्कशीट को कॉपी करना है, इसको डुप्लीकेट बनाना है तो कैसे करना है, फिर से देख लेते हैं। किसी भी वर्कशीट को डुप्लीकेट बनाना है तो उस वर्कशीट के बॉटम में जाएंगे। देखिए यहाँ पर हमें जनवरी लिखा है, इसका नाम हम चेंज कर देते हैं, राइट क्लिक करके रीनेम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे क्या है, ये स्टूडेंट अटेंडेंस शीट है, अभी पुराने लिखते हैं हम, खाली स्टूडेंट एस लिख देते हैं, है ना। अभी यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, मूव और कॉपी पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्रिएट कॉपी ऑन करेंगे, स्टूडेंट एस ये शीट है उसको क्लिक करना, ओके कर देंगे। देखिए ये पहली हमारी ओरिजिनल शीट है और ये हमारी कॉपी शीट है। अब इसको हमें क्या करना है, एम्प्लॉयमेंट शीट में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर आपको एम्प्लॉयमेंट शीट बनानी है तो हम वो भी इसी शीट का यूज़ करके बना सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट अटेंडेंस शीट। इसका नाम चेंज कर देंगे, नाम चेंज करने के क्या करना है, डबल क्लिक करेंगे, वहाँ पर कर्सर आ जाएगा, बैक स्पेस मारेंगे, एम्प्लॉई अटेंडेंस शीट, सेम यहाँ पर सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। देखिए जनवरी फरवरी ये सब कुछ सेम है, एक कॉलम ऐड करेंगे ताकि हम एम्प्लॉई को डेजिग्नेशन दे सके, उसका डिपार्टमेंट हम दे सके। तो कॉलम ऐड करने के लिए कहाँ जाएंगे, कॉलम्स में जाएंगे। अब जब भी हम कॉलम, किसी भी कॉलम को ऐड करना है तो वो लेफ्ट साइड कॉलम ऐड होता है, तो हमें क्या करना है, कॉलम नंबर सी और कॉलम नंबर डी के बीच में कॉलम चाहिए। तो जो डिफ़ॉल्ट होता है कॉलम कहाँ पर ऐड होता है, कॉलम के लेफ्ट साइड, तो हम क्या करेंगे, डी पे राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। देखिए आपके पास एक नया कॉलम ऐड हो गया, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेजिग्नेशन लिखेंगे, कॉलम बना दिए और यहाँ पर लिखेंगे जनरल मैनेजर, ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर एंड सो ऑन, ठीक है। तो ऐसे हम अलग अलग डेजिग्नेशन लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हमारा फिर से क्या हो गया, एम्प्लॉई अटेंडेंस शीट रेडी हो चुकी है फुल प्रूफ। फिर उसके बाद वही यहाँ पर सेम डेटा को कॉपी पेस्ट करना है और अगले महीने का अटेंडेंस शीट बनाते जाना है, करेक्ट। किसी भी टाइप का अटेंडेंस शीट आपको बनाना है तो इसी फॉर्मेट को आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप में और भी ज़्यादा क्रिएटिविटी है, आप सोच सकते हो कि इसमें आप और कितने फंक्शंस ऐड कर सकते हो, तो आप ऐड भी कर सकते हो अपने हिसाब से, अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से आप ऐड कर सकते हो, उसको फॉर्मेटिंग कर सकते हो। अगर ये एम्प्लॉयमेंट शीट आपको चाहिए तो मुझे कमेंट में आपका ईमेल एड्रेस लिख के भेज देना, मैं आपको सीधा ये पूरा अटेंडेंस शीट ईमेल कर दूंगा जो हमने अभी यहाँ पर बनाया हुआ है, ताकि आप डायरेक्टली इसको प्रैक्टिस कर सको, है ना। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, लाइक करें, शेयर करें, तो प्लीज़ कमेंट करें। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, थैंक यू।